नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू विंग चेरा। परफेक्ट ब्रेकआउट पॉइंट कैसे पकड़ सकते हैं, यानी कि ऐसे कंसोलिडेशन मार्केट में कहाँ से आपको एंट्री और एक्सिट और उसका ब्रेकआउट पॉइंट, यानी कि आपको एंट्री लेना है तो कौन से पॉइंट में एंट्री ले लो, कौन से पॉइंट में एक्सिट करो, ये सब पहचानने का एक सॉल्यूशन के साथ में आए हो तो आज की विंचेड की लाइव परफॉर्मेंस के साथ वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ आज की बैंक निफ्टी और निफ्टी का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिलहाल मैं ओपन किया बैंक निफ्टी के इंडेक्स की चार्ट भी है, फ्यूचर भी है और साथ में मैंने आपको ऑप्शन भी दिखा रही थी, यानी कि ऑप्शन में किस तरह ऑप्शन आपको लेना चाहिए और परफेक्ट ऑप्शन लेने का इकलौता सोल्यूशन है, यानी कि परफेक्ट आपको ऑप्शन कैसे ले सकते हो। जैसे कि आज के मार्केट देखूंगी तो बैंक निफ्टी मॉर्निंग में यानी कि डाउन जाने के लिए कोशिश कर, लगभग 11 बजे के बाद ही मार्केट यानी कि प्रॉपर ब्रेकआउट दिए थे। ऐसे ब्रेकआउट यानी कि लाइव मार्केट में आपको देखूंगी तो कैसे पहचान सकते हैं, वो आज की विंचे रखिए परफॉर्मेंस में मैं दिखा रही हूँ। वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। मैं सीमा, सीमा कृष्णा 81390, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कॉल कीजिएगा सर। तो यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल जो लाइव मार्केट चल रही है कॉर्नर में आपको दिखेगा, तो ये डे ब्रेक लाइन से आज का मार्केट ओपन हुआ। इसमें ग्रीन कलर बाय सिग्नल है, रेड कलर यहाँ पे दिखा रही सेल सिग्नल है, दोनों ऑटोमेटिक सिग्नल अलर्ट के साथ आएगा। साथ में जो भी डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन कर रही है तो वो सारा डिटेल्स आपको ऊपर नीचे होगा। तो इसमें मैं आपको ये भी दिखा रही, यानी कि सिकल कंटिन्यूएशन मार्केट में ऐसे आपको ट्रेड कहाँ से लिया जा सकता है, तो वो भी आज की विन ट्रेड में देखते हैं। तो इसमें देखूंगी तो बाई की कंटिन्यूएशन जा रही थी, यानी कि कल की बाई के कंटिन्यूएशन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया गया है, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 11-12 बजे के आसपास, यानी कि 11:30-12 बजे के आसपास ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, वहाँ से सीधा ऊपर गए थे। पर ये ब्रेकआउट पॉइंट पकड़ेगा कैसे तो वो दिखा रही है, तो यहाँ पे आज की विन चेट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यानी कि इसमें से ग्रीन कलर जो बाय सिग्नल जब भी देते हो तो हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको पता है कैंडल भी ग्रीन, नीचे भी ग्रीन और प्राइस इन बाय जोन होना चाहिए, तो ये तीनों ओके है तो नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले सकते हो। पर जो बाय की कंटिन्यूएशन जब जा रही हो तो प्रॉपर ब्रेकआउट कैसे पकड़ेगा तो वो साथ में देखूंगी। तो आज की निफ्टी देखूंगी तो मॉर्निंग से ही मार्केट ऊपर बाय है, तो दोनों उल्टा मोमेंट दे रही थी, एक तो बाय एक तो सेल, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साथ साथ में जाते हैं, तो हमको कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए थी कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमेशा जब भी मोमेंट यानी कि दोनों उल्टा दे रही है तो वहां से ट्रेड नहीं लेना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। तो एक तो यानी कि एक तो आर पार होगा तो दूसरा एक दूसरे के साथ, यानी कि कल भी देखूंगी तो आपको पता है मार्केट यानी कि दोनों एक साथ में यानी कि नीचे गिर गए थे। ओके तो अगर बैंक निफ्टी अगर वहाँ पे डाउन कंसोलिडेशन दे रही है तो निफ्टी यानी कि ऊपर ब्रेक हो रहा है तो वेट कीजिए दोनों की साथ में ब्रेकआउट होने तक। लगभग अप्रोक्सीमेट देखूंगी तो यहाँ पे 12 बजे के आसपास प्रॉपर ब्रेकआउट दिए थे बैंक निफ्टी ने, तो ऐसे रीएंट्री दिया था यानी कि सिकल कंटिन्यूएशन मार्केट में, तो रेसिस्टेंट कौन से पॉइंट में ब्रेक करते हैं यानी कि सपोर्ट, अगर नीचे की जाते हैं तो कौन से पॉइंट में सपोर्ट पहले यानी कि पहले सपोर्ट कहाँ पे प्रॉपर ब्रेक होते हैं तो वो पॉइंट पकड़ना चाहिए, तो वो पॉइंट सीधा ऊपर जाएगा। ओके तो यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट किया था अप्रोक्सीमेट लगभग 12 बजे 41,325 में जब ब्रेकआउट दिए थे, वहां से सीधा मार्केट लोसिंग तक ऊपर ही था, मार्केट यानी कि कंटिन्यूएशन जा रहा था, बाय सिग्नल की कंटिन्यूएशन यहाँ पे दे रहा था। उसके अलावा जो निफ्टी में भी सेम ऐसा ही था, निफ्टी में भी देखूंगी तो भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो गैप डाउन यानी कि कल की बाई के कंटिन्यूएशन जा रहे थे, यहाँ पे डे ब्रेक लाइन से यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, इसमें गैप अप ओपन के साथ ओपन हुए थे, रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट दिए थे, मॉर्निंग से ही मार्केट थोड़ा ब्रेकआउट दिया था, वहां से ज्यादा मार्केट यानी कि ब्रेक नहीं दिया तो वही रेट में यानी कि बहुत देर तक यानी कि अटका रहा है, तो उसके बाद ही अप्रोक्सीमेट प्रॉपर जो ब्रेकआउट इसमें भी सेम वही मोमेंट में लगभग अप्रोक्सीमेट यानी कि 11:30 बजे के आसपास ही मार्केट यानी कि ब्रेक दिए थे, वहां से सीधा मार्केट ऊपर की तरफ भागा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट देखूंगी तो 150 पॉइंट्स के आसपास यानी कि निफ्टी में ब्रेकआउट दिया था। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया था, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी के हिसाब से ऑप्शन ट्रेड करूंगी तो लगभग 41,345 से लगभग हमने 12 बजे के आसपास यानी कि ले सकते थे, अप्रोक्सीमेट 41,345 मतलब 200 के आसपास हम ले सकते थे कॉल ऑप्शन 200 देखूंगी तो। मॉर्निंग में इसमें देखिए सेल था मार्केट लगभग यानी कि 12 बज के यानी कि 12:09 में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 340 में, थ्री टारगेट्स नीचे मेंशन, तीनों अचीव्ड है। अप्रोक्सीमेट देखूंगी तो लगभग दूसरी कैंडल में 327 में आराम से एंट्री ले सकते थे, वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर की तरफ दिया है,
तो यानी कि काफ़ी बाइट ट्रेंड था। अगर मॉर्निंग से नहीं लिया तो दोबारा ब्रेकआउट अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे लगभग यानी कि 2 बजे के आसपास दिया था 420, वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर की तरफ भागा है। ओके, तो आप इनकेस समझिए तो आपने ब्रेकआउट पकड़ यानी कि आपको मिला नहीं है तो आपने देखूंगी तो मार्केट ऊपर चढ़ चुकी है, तो दोबारा कहाँ से एंट्री लो वो सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। दोबारा रसेशन फिर से ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे देखिए दोबारा, और तीसरा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था वो काफ़ी तेजी से ऊपर भाग गया। ओके, और उसी के अलावा निफ्टी में भी देख सकते हैं, निफ्टी में जब ब्रेकआउट दिया था अप्रॉक्सीमेट उसके हिसाब से 17,857 थे अप्रॉक्सीमेट, यानी कि 11:15 के आसपास यानी कि 11 बजे के बाद ही ब्रेक दिया था। वहाँ पे देखूंगी तो अप्रॉक्सीमेट हम देख सकते हैं लगभग यानी कि 17,600 या आपको 500 की ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है 600 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे ओपन करके रखा है, तो इसमें तो ब्रेकआउट अप्रॉक्सीमेट यानी कि ये लेवल पे अप्रॉक्सीमेट देखूंगी तो यहाँ पर रेसिस्टेंस ब्रेक किया तो ये पॉइंट पे, तो लगभग उसी टाइम 11:05 बज चुकी थी 267 में जब ब्रेक किया था, वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर भाग आया तो अप्रॉक्सीमेट लगभग देखूंगी तो 353 तक मार्केट यानी कि ऊपर गया है। ओके, उसके अलावा तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे ऑल बेटर यानी कि स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक में किसी ने बेटर स्टॉक यानी कि ट्रेड करना चाहते हो बेटर स्टॉक में यानी कि आपको ट्रेड लेना है तो आपको यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर का स्कैनर सेट कीजिए। आज देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट TCS मॉर्निंग में काफ़ी ऊपर गए थे, और उसी के अलावा लगभग देखूंगी तो अभी सिल्वर के हिसाब से मोमेंट देखिए 3 रेड आर यहाँ पे दे रही है, तो आपको सिल्वर की मोमेंट यानी कि परफेक्ट जो ब्रेकआउट यानी कि आपको हमारा सॉफ्टवेयर स्कैनर आपको पता चले यानी कि कौन से पॉइंट अभी करेक्ट बाई में जा रहे सेल में जा रहे तो हमारा स्कैनर ही आपको आइडिया देगा। तो यहाँ पे देखो तो सिल्वर काफ़ी डाउन दे रही है, तो क्रूड ऑयल यहाँ पे देखिए 3 आर ओ नहीं है तो यहाँ पे 2 आर ओ है, तुमको क्रूड ऑयल ओपन करके देख सकते हो तो अप्रोक्सीमेट जो परफेक्ट यानी कि बाई और सेल में जाने वाले है तो करेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर की स्कैनर आपको आइडेंटिफाई करके देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर की देखूँ तो अप्रोक्सीमेट 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट करना वही में एक्यूरेसी है 15 मिनट्स, 5 मिनट्स ऐसा नहीं है 5 मिनट्स सेट नहीं कर सकते, सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स में यानी कि सिल्वर में गैप अप मार्केट के बाद मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गया, अगर इनकेस बीच में रिवर्स होते हैं तो साइड वे आइडेंटिफाई आपको कर सकते हो, कलर चेंजेस वहाँ पे सॉफ्टवेयर देगा तो पॉइंट में आपको कट कर सकते हो। तो लास्ट जो डाउन सिग्नल यहाँ पे दिया था वो काफ़ी 174 पॉइंट्स डाउन है। ओके, तो सेम आपको क्रूड ऑयल में भी देख सकते, क्रूड ऑयल में यहाँ पे आप देखिए तो अप्रोक्सीमेट गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ था, काफ़ी देसी से यानी कि मार्केट थोड़ा ऊपर गए थे पर वहाँ से साइडवे था ले नहीं सकते थे, सेम मार्केट नीचे गया था यानी कि डाउन मार्केट ने अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग देखूंगी तो यहाँ पे 40 पॉइंट्स के हिसाब से हासिल किया है। ओके, और ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा, मैं गाइड करूँगी आपको किस तरह हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली वर्क करते हैं।